हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चेंज अराउंड एस की नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले तो रिव्यू करना हम लोग को ज़रूरी है। हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ को पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज अ चेंज, और चेंज की डिफरेंट टाइप को हम लोगों ने पढ़ा है। बच्चे, आप सभी ने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को पढ़ा है। फिजिकल चेंज वह जो होता है टेम्पोररी चेंज है, ऐसा कि आप सभी को पता है। बट द केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। इट्स कैन नॉट बी कम बैक टू इट्स द ओरिजिनल फॉर्म। वह ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है, फिर से कम बैक नहीं करता, वो फिर से नहीं होता है। आप सभी ने समझा इसको, इसका गुड एग्जांपल भी आपने समझा है। मिल्क चेंज इनटू द कर्ड, हियर द कर्ड हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये जैसे ही वो कर्ड में परिवर्तन करता है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही है, चेंज कर जाता है, वो चेंज हो जाता है। इन अ फिजिकल चेंज, आप सभी ने पढ़ा है कि फिजिकल चेंज में उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, केवल और केवल उसकी स्टेट में केवल परिवर्तन होता है। इट्स द चेंज इन अ स्टेट, दैट मींस भी वो सॉलिड है तो लिक्विड हो गया, लिक्विड है तो गैसियस, लेकिन कम बैक इट्स द ओरिजिनल फॉर्म, वो उसे ओरिजिनल फॉर्म में लाया भी जा सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के विषय में। रिवर्सिबल, जिसको रिवर्स किया जा सके, इरिवर्सिबल जिसे रिवर्स नहीं किया जा सके, उसको कम बैक इट्स पोजीशंस पे जिसको नहीं लाई जा सके वो क्या है, इरिवर्सिबल। बच्चे, चेंज अराउंड अस के अंतर्गत हम लोगों ने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था स्लो चेंज एंड द फास्ट चेंज। स्लो चेंज वैसे चेंज को कहा गया जिसमें ड्यूरेशन ऑफ द टाइम सो है वह अधिक लगता है, ग्रेटर देन, बट ये फास्ट चेंज में ड्यूरेशन जो होता है बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। मतलब इसमें चेंज होने में कम से कम समय यदि लगे तो वो चेंज फास्ट चेंज होता है, और जिसमें टाइम का ड्यूरेशन जो है ज्यादा होगा, अधिक होगा, तो वो चेंजेस जो होंगी वो होगा क्या, स्लो चेंज होगा। बच्चे, इसको हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझने के प्रयास किया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए जो है आज की, एनर्जी इन्वॉल्व, द चेंज इन्वॉल्व एनर्जी। इसके टू टॉपिक्स हैं। एनर्जी इन्वॉल्व में हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो होगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, और सेकेंड जो टॉपिक इसका होगा, एनर्जी रिलीज करता है। चेंज हुआ तो क्यों चेंज हुआ भाई, तो एनर्जी क्या है, अब्सॉर्ब करने की वजह से वो क्या हो गया, चेंज हो गया। हम लोग आज की टॉपिक में चेंज इन्वॉल्व एनर्जी, बेटा एक बात समझेंगे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन, ऐसे ही हम लोग का एग्जाम्पल में हम लोग बराबर इस चीज का क्वेश्चन एग्जामिनेशन ऑफ यू से, यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से आप इसको समझने के प्रयास करेंगे। चेंज इन्वॉल्व एनर्जी में वी सी द मेनी चेंजेस व्हिच इन्वॉल्व द अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। सच आज वेन ऑफ द टीयर द पेपर,
हम सभी क्या करते हैं, पेपर को फॉर डालते हैं। द एनर्जी अप्लाइड द गेट एब्जॉर्ब्ड फॉर दी रिंगिंग। हम लोग उस तरह की स्टेजेस में एनर्जी क्या हुआ, अब्जॉर्ब हुआ तो पेपर फटा। यदि एनर्जी उसमें नहीं अब्जॉर्ब होता तो पेपर वो क्या होता, टुकड़ा उसकी नहीं हो पाती। मेनी सेंसेस वेयर द एनर्जी इज अब्जॉर्ब। हमारे एनवायरमेंट्स में, इन नेचर में इस तरह की एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज है जिसमें अब्जॉर्ब एनर्जी क्या होता है, अब्जॉर्ब करता है। वो किसी भी फॉर्म की एनर्जी अब्जॉर्ब हो सकता है, चाहे हीट एनर्जी की बात हो या साउंड एनर्जी की बात हो, तो एनर्जी वो लाइट एनर्जी की बात हो, तो वो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी क्या होगा, अब्जॉर्ब। जैसे गुड एग्जांपल अब मान लिया जाए फोटोसिंथेसिस में, तो यहां लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होता है। सेकेंड, आप भी इसमें देखेंगे मेल्टिंग ऑफ द आइस के डायग्राम से इसमें दिया हुआ है, मेल्टिंग ऑफ आइस। आप इसमें डायग्राम्स के माध्यम से आप इसमें देख सकते हैं, यहां आइस की डायग्राम बना हुआ है, और जैसे ही यहां हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो ये क्या होगा, इट इज अ मेल्ट डाउन, ये मेल्ट कर जाएंगे और ये पिघल जाता है। मूविंग ऑफ द क्रिकेट बॉल्स, मूविंग कराने से क्या होगा, उसमें हीट एनर्जी आएगा, एनर्जी इज अब्सॉर्ब। तो यहां हमने क्या चीज बताया कि किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, चाहे वो लाइट एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो या साउंड एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी क्या होगा, वो एब्जॉर्ब्ड होगा। नेक्स्ट इसकी पॉइंट है एनर्जी रिलीज्ड। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, नेम द चेंजेस वेयर द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो आप इसमें बताएंगे। आपका आंसर जो होगा, मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल, मेल्टिंग ऑफ द आइस, फोटोसिंथेसिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एनर्जी इन बॉल विच द अब्सॉर्ब्ड एनर्जी, इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन इन्वॉल्विंग एनर्जी में, एनर्जी इज द रिलीज द आउट। आपने इसमें डायग्राम्स में देखेंगे, डायग्राम्स आपका बना हुआ है, दिखाई भी आप लोग अच्छे से इसको गौर से देखेंगे, तो आप इसमें देख रहे हैं कि एनर्जी क्या है भाई, रिलीज हो रहा है। कैसे एनर्जी रिलीज हुआ, तो यहां पर बर्निंग हो रही है, फ्यूल्स की बर्निंग हो रही है। तो बर्निंग होने के बाद में यहां दो तरह की फॉर्म्स एनर्जी रिलीज हो रही है, पहला क्या है वो लाइट एनर्जी, और सेकेंड जो है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। एंड ऑल्सो वी आर द सी द एग्जाम्पल ऑफ द चेंज वी आर द एनर्जी इज द गिविंग आउट इन एवरीडे लाइफ सच एज द बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स प्रोड्यूस द हीट एनर्जी। हम किसी तरह की फ्यूल्स को यदि बर्न कराते हैं तो उसे हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी क्या होगा, इवॉल्व होगा, इसका मतलब रिलीज होगा। द चेंजेस वेयर द एनर्जी इज द रिलीज, द गुड एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कैंडल, रिस्पिरेशन। हम लोग रिस्पिरेशन को भी एक्टिविटीज के माध्यम से देख सकते हैं। हम सभी जब रिस्पायर करते हैं और जब एक्सहेल करते हैं, अपनी हाथ को सामने ले जाकर के रखें, तो आप पाएंगे क्या उससे हीट निकलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ द चेंजेस इन द एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। थैंक यू टू यू ऑल।